हे एवरीवन, वेलकम टू एनीवे लर्निंग। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर श्वेता। एंड टुडे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसमें इंक्लूड है प्लांट दैट डिसअपीयर बिकॉज ऑफ अस। ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटीज है, ये जितने भी प्लांट डिसअपीयर हुए हैं, हम उनकी लिस्ट देखेंगे और इन्हीं के बारे में जानेंगे। ओके, सो स्टार्ट करें सेशन को, फटाफट से आ जाएंगे सब लोग तो अच्छा रहता। स्टार्ट करें सेशन को, आ गए सब लोग? ओके ओके, आ ही गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसमें इंक्लूड होंगे प्लांट्स दैट डिसअपीयर बिकॉज ऑफ अस। ह्यूमन की एक्टिविटी से जितने भी प्लांट्स एक्सटिंक्ट हुए हैं, हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि एनिमल्स की बात हम लोग बहुत करते हैं कि ये वाले एनिमल्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए हम लोगों के कारण, और बाकी के एनिमल्स को सब क्या करते हैं, देखते हैं। प्लांट्स की तरफ जो होता है बहुत ही कम लोगों की नजर जाती है। हेलो लेजेंड, हेलो मुकेश, गुड आफ्टरनून मुकेश। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जिसमें जानेंगे अबाउट, आज हम बॉटनी सब्जेक्ट लेके रखे हैं क्योंकि बायोलॉजी में दो टर्म होते हैं। बायोलॉजी डिवाइड होती है दो हिस्से में, फर्स्ट जूलॉजी एंड सेकेंड बॉटनी। जूलॉजी में हम पढ़ते हैं अबाउट एनिमल्स और बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्लांट्स। आज हम पैलियोबॉटनी को पढ़ेंगे। सो पैलियोबॉटनी क्या है? पैलियोबॉटनी होती है एक साइंटिफिक स्टडी होती है अबाउट एंशियंट प्लांट, जो अब के टाइम में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। एंशियंट टाइम में जो प्लांट्स पाए जाते थे उसकी स्टडी को बोला जाता है पैलियोबॉटनी। ओके, हर्षित राय, हेलो हेलो हर्षित, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो हर्षित, ये बताइए। सो पैलियोबॉटनी आपको समझ में आ गया होगा कि पैलियोबॉटनी क्या है। पैलियो मीन्स एंशियंट एंड बॉटनी मीन्स प्लांट्स। तो जितने भी एंशियंट प्लांट्स हैं हम उनकी स्टडी को देखेंगे, जितने भी एक्सटिंक्ट हो चुके प्लांट्स हैं हम उनको चेक करेंगे। सो अराउंड 571, अराउंड 571 जो है प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, 2.5 decades के अंडर। ये बात क्लियर हो गई कि पैलियोबॉटनी क्या है, बॉटनी सब्जेक्ट क्या है। बॉटनी में हम बेसिकली जानते हैं अबाउट प्लांट्स के बारे में, और पैलियोबॉटनी क्या होती है, जितने भी एंशियंट प्लांट है जो आज के टाइम में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है या है भी तो बहुत ज्यादा, एक या दो बचें। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा रेड डाटा बुक। सो रेड डाटा बुक जो है इसमें पूरी लिस्ट रहती है कि कितने एंडेंजर्ड प्लांट्स, एनिमल, फंगी है। ओके, सो ये क्या है, रेड डाटा बुक के अंदर है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, द रेड डाटा बुक इज अ स्टेट डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश्ड फॉर द डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल, प्लांट, फंगी एज वेल एज सम लोकल सब स्पीसीज दैट एग्जिस्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट और कंट्री। हर कंट्री की अपनी एक रेड डाटा लिस्ट रहती है और इंडिया में भी ये भी प्रेजेंट है। सो रेड डाटा बुक के अंडर यही चीजें जो है वो आती है। कौन कौन से प्लांट्स, एनिमल, फंगी क्या हो गए हैं, एंडेंजर्ड हो गए हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ वैरायटीज को देखते हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज को चेक करते हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सबसे पहला है कस्तूरी मैंगो, मैंगीफेरा कस्तूरी, साइंटिफिकली इसको बोला जाता है
कस्तूरी मैंगो ये पहले पाया जाता था, कुछ इस तरीके का था, जिसे पर्पल मैंगो भी बोलते हैं। ये अब नहीं पाए जाते, ये इंडियन वेराइटीज हैं। सो इंडिया में जो कस्तूरी मैंगो है वो पहले पाया जाता था, अब एकदम एक्सटिंक्ट हो चुका है। और ये इस तरीके का दिखता है, मैंगी फेरा कस्तूरी इसका साइंटिफिक नेम है। ओके, आगे है लोटस बर्थेलोटी। सो ये एक ऐसा प्लांट है ना, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसको इस कैटेगरी में रखा गया था कि पहले की जो रॉयल जितनी भी लेडीज होती थी इसको कैरी करती थी, और ये रॉयल फ्लावर्स में आता था, नॉर्मल लोग इसको यूज नहीं करते थे। इसमें क्या होता है कि पैरेट की तरह इसकी चोंच होती है, मतलब इस फ्लावर में ऐसे पैरेट जैसा जो होता है, इसकी बर्ड्स जो होते थे वो ऐसे रहते थे। फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं ये कुछ इस तरीके के रहते हैं। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, अमंग इट्स कॉमन नेम आर लोटस वाइन फ्लावर्स, पैरेट और पैरेट बीक, पेलिकन बीक और कोरल जेम। इसको इन तीन नाम से, तीन चार नाम से जाना जाता है कि लोटस वाइन फ्लावर भी है, पैरेट और पैरेट बीक भी है, पेलिकन बीक भी है। तो ये सारे बीक्स मतलब इनकी चोंच की तरह इसमें ये रहते थे, और ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ये सब नहीं पाए जाते हैं। कुछ फेमस ये फ्लावर्स ट्रीज के अंदर ये अंदर आते हैं। आगे है लेलिया गोल्डियाना। ये लेलिया है गोल्डियाना, ये ऑर्किड्स बहुत फेमस फ्लावर है, उन्हीं के ही ये जेनस का है लेलिया। गोल्डियाना द ऑर्किड्स नाउ इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वॉज एंडेमिक टू द माउंटेन ऑफ हाइडेल्गो स्टेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिको। ठीक है, तो ये सब जितने भी फ्लावर्स थे ये अब के टाइम में ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब एकदम भी पाए नहीं जाते हैं। उसी की थोड़ी सी मैंने सोचा कि आपको लिस्ट बता दूं कि ये बहुत ही फेमस ऑर्नामेंटल फ्लावर थे, बहुत पहले फेमस होते थे, लेकिन अब के टाइम में बिल्कुल भी इनकी केयर करने ना करने की वजह से ये गायब हो चुके हैं। ठीक है, अब है हमारा एनसेफेलोटिस वुडी। तो ये भी एक तरह का पाइन प्लांट है, ये भी लिस्ट है, बस आप लोग बस पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि 571 के अराउंड जो प्लांट्स थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो उन्हीं में से कुछ जो मुझे ठीक लगे कि आप लोगों को बता देना चाहिए वो इसमें इंक्लूड होते हैं। और लास्ट वाला जो है वो है ऑर्कोसिया पेटुहाइवेंसिस। तो ये भी एक्सटिंक्ट प्लांट के अंदर आता है। सो आज वाले सेशन में कुछ 5-6 के अराउंड मैंने प्लांट्स को लाया था, ताकि आपको पता चले कि कुछ प्लांट जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 571 के अराउंड थे, जिसमें से कुछ मैं सोची आप लोगों से शेयर कर लूँ। ओके, थैंक